हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्प्लैश स्क्रीन एंड एक्टिविटी मेन डॉट एग्जाम्पल का कोड क्रिएट किया था। मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो ये एक्टिविटी हमने क्रिएट की थी पिछले इसमें एंड स्प्लैश स्क्रीन को क्रिएट किया था। तो सबसे पहले मैं भूल गया था एक्टिविटी मेन डॉट एग्जाम्पल में, आपको ये ध्यान में रखना है, इन दोनों को भी सेम नहीं रखना है। आप यहाँ से एक्सरसाइज को चेंज कर सकते हो। तो किसी भी एक्सरसाइज को मैं चेंज चूज कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे मैं एक्सरसाइज वन को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हो अभी देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। मींस थोड़े डिफरेंट डिफरेंट हो चुके हैं बिफोर एज 18 एंड आफ्टर एज 18 का। अभी हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम किस एक्टिविटी को क्रिएट करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, हम इस एक्टिविटी को हम आज के वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे बिफोर एज 18 पे या फिर गेट स्टार्टेड पे, तो इस एक्टिविटी में हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि हम इस एक्टिविटी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कोड समझाता हूँ जो हमने पिछले बार क्रिएट किया था। जैसे आप मेन एक्टिविटी में जाते हो कोड में, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे बटन वन, एक बटन वन डॉट सेट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर में, तो आप डायरेक्ट सेकेंड एक्टिविटी डॉट क्लास में चले जाओगे। सेम सेकेंड एक्टिविटी डॉट क्लास में हमें क्रिएट करना होगा इस एक्टिविटी को। तो चलिए चलते हम सेकेंड एक्टिविटी डॉट एग्जाम्पल की तरफ। तो मैं आ चुका हूँ एक्टिविटी सेकेंड डॉट एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आपको एरर शो हो रहा होगा सेकेंड एक्टिविटी। तो इसको रिसोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं, बस कोई भी पैकेज नेम में आना होगा। तो मैं पैकेज नेम आ चुका हूँ यहाँ पे एंड इसको कॉपी करना होगा। मैं कंट्रोल सी से यहाँ तक इसको कॉपी कर देता हूँ एंड सेकेंड जो भी हमारा एरर था इसमें आपको पेस्ट करना होगा। तो आप देख सकते हो जैसे मैं इस पर पेस्ट करूंगा अभी हमारा एरर रिजॉल्व हो जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे कोड क्रिएट करना है इसके लिए। तो सबसे पहले आपको कंस्टिट्यूएंट लेआउट को चेंज करना होगा। कंस्टिट्यूएंट लेआउट को आपको लीनियर लेआउट में चेंज करना होगा। तो चलिए कर लेते इसको मैं चेंज। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लीनियर लेआउट में चेंज कर दिया, बट यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहा है। तो आपको सबसे पहले इसको कॉपी करना होगा एंड जो यहाँ पे है इसको आपको रिमूव करना होगा एंड लीनियर लेआउट को पेस्ट करना होगा। आप देख सकते हो अभी हमारा लीनियर लेआउट यहाँ पे बन चुका है। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, विड्थ में आपको सबसे पहले फिल पैरेंट यूज़ करना है एंड हाइट में भी आपको फिल पैरेंट यूज़ करना है। तो मैं चेंज कर देता हूँ फिल पैरेंट, फिल पैरेंट। जैसे हम फिल पैरेंट करेंगे हमारा पूरा जो भी एक्टिविटी है पूरा ले लेगा, क्योंकि हमें पूरे एक्टिविटी में यूज़ करना है पूरे एक्टिविटी को। तो मैं बैकग्राउंड अभी चूज़ कर लेता हूँ। बैकग्राउंड आपको दे देना है हैश FF मीन्स वाइट कलर, क्योंकि जो इमेज दिखाई दे रहा है आपको इसके बैकग्राउंड में सिर्फ वाइट ही कलर इंक्लूड है। ओके, अभी आपको ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर देनी है, तो ओरिएंटेशन वर्टिकल रख देते हैं एंड मैं अभी इसको एंटर कर देता हूँ। जैसे हम एंटर करेंगे आपको अभी यहाँ पे टूल बार यूज़ करना है, क्योंकि इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा टूल बार, हमें इसलिए यहाँ पे टूल बार यूज़ करना है। मैं टूल बार यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं टूल बार सिलेक्ट कर देता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे विड्थ एंड हाइट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो मैं हाइट में आपको हाइट में मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क एटर एक्शन बार साइज, सॉरी आपको यहाँ पे लिख देना एक्शन बार साइज एंड जो विड्थ है इसमें आपको दे देना है मैच पैरेंट, क्योंकि पूरे विड्थ हमारा आना चाहिए इसलिए मैं मैच पैरेंट दे देता हूँ। एंड इसको आपको आईडी दे देनी है आईडी @ आईडी टूल बार एंड आपको बैकग्राउंड चूज कर लेना है। मैं बैकग्राउंड लिख देता हूँ यहाँ पे एंड चूज करके आपको लिखना है @ कलर प्राइमरी डार्क। ओके, इसके बाद आपको यहाँ से एंटर करना है एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट लिख देना है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको एंड कर देना है एंड थीम यहाँ से चूज करनी है आपको एंड्रॉइड थीम एक्शन बार। ओके, डार्क एक्शन बार एंड टाइटल यूज करना है आपको। टाइटल आपका जो भी रहेगा आप यहाँ से लिख सकते हो। तो मेरा योगा ऐप है तो मैं योगा ऐप लिख देता हूँ एंड एंटर कर देता हूँ एंड टाइटल टेक्स्ट कलर आपको लिखना है हैश FF। ओके, तो आप देख सकते हो हमारा टूल बार का जो भी कोड था वो अभी कंप्लीटली रिजॉल्व हो चुका है, बट यहाँ पे अभी भी
एरर आ रहा है तो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको क्लोज नहीं किया। ओके अभी हमारा कम्प्लीटली एरर रिजॉल्व हो चुका है। अभी हम इसको एंटर करते हैं एंड टूल बार के नीचे हम लीनियर लेआउट को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अभी हमें लीनियर लेआउट यूज करना होगा एंड आपको यहाँ पे फिल पैरेंट लिख देना है। तो मैं विड्थ एंड हाइट में फिल पैरेंट दे देता हूँ एंड आपको लेआउट वेट दे देना है यहाँ से 1.0 एंड ओरिएंटेशन सिलेक्ट करना होगा आपको वर्टिकल दे देता हूँ मैं यहाँ से ओरिएंटेशन एंड आपको यहाँ से क्लोज करना होगा एंड इसके बीच में आपको लीनियर सॉरी आपको स्क्रॉल व्यू लगाना होगा। तो मैं स्क्रॉल व्यू लगा देता हूँ सबसे पहले आप तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल व्यू यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो इमेज दिखाई दे रहे हैं इसमें आपको बहुत सारे जो एक्सरसाइज दिखाई दे रहे हैं जैसे हम स्क्रॉल करेंगे वहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइज विजिबल हो जाएगी इसके लिए इसलिए हमें यहाँ पे स्क्रॉल व्यू लगाना इम्पोर्टेंट है। तो मैं स्क्रॉल व्यू को थोड़ा फिल करंट कर देता हूँ क्योंकि हमें पूरे इसमें यूज़ करना है फिल पैरेंट विड्थ एंड हाइट में एंड लेआउट वेट में आपको 1.0 दे देना है सॉरी एंड एंटर कर देना है एंड स्क्रोल बार्स आपको नन करना है। ओके एंड यहाँ से आपको क्लोज कर देना है एंड इसके बीच में आपको लीनियर लेआउट को यूज़ करना है। तो मैं लीनियर लेआउट यूज़ कर देता हूँ एंड यहाँ से विड्थ एंड हाइट आपको फिल पैरेंट दे देनी है अगेन एंड यहाँ से आपको अगेन एंटर करना है एंड ओरिएंटेशन आपको यहाँ से सबसे पहले सिलेक्ट कर देना है ओरिएंटेशन आपको वर्टिकल सिलेक्ट करना है। आपको लीनियर लेआउट यूज करना है यहाँ से अगेन तो मैं लीनियर लेआउट यूज कर लेता हूँ एंड फिल पैरेंट यूज करना है विड्थ जो भी थी आपके एंड हाइट 100 dp। लेआउट ग्रेविटी आपको सेंटर दे देनी है तो मैं लेआउट ग्रेविटी दे देता हूँ सेंटर एंड ग्रेविटी अगेन यहाँ पर सेंटर दे देना आपको। ओरिएंटेशन आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ से ओरिएंटेशन वर्टिकल दे देता हूँ मैं एंड यहाँ पे आपको लीनियर लेआउट को क्लोज करना होगा एंड अगेन आपको यहाँ पे लीनियर लेआउट आपको यूज करना होगा तो मैं लीनियर लेआउट को यूज कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जो विड्थ रहेगा आपको फिल पैरेंट दे देना है एंड हाइट रैप कंटेंट तो मैं रैप कंटेंट दे देता हूँ एंड आपको सबसे मेन आपको यहाँ पे आईडी डिक्लेयर कर देनी है। तो मैं आईडी दे देता हूँ यहाँ से @ID बोट पोज ओके बोट पोज दे देनी है एंड हमें लेआउट मार्जिन यूज करनी है 10 dp। इसको मैं इंटर कर देता हूँ एंड आपको सबसे मेन ऑन क्लिक यूज करना है तो मैं ऊपर यहाँ पे ऑन क्लिक दे देता हूँ। ऑन क्लिक आप कुछ भी नेम लिख सकते हो तो मैं इमेज बटन क्लिक दे देता हूँ ओके बट आपको ये ध्यान में रखना है जैसे आप इमेज बटन क्लिक दोगे तो आपको एरर शो होगा। तो मैं पहले बता देता हूँ एरर कैसे शो होगा 2 मिनट देखो जैसे आप इमेज बटन क्लिक लिखोगे तो आपको यहाँ पे एक एरर शो होगा। तो इस एरर को रिजोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एंड अल्ट एंटर प्रेस करना होगा। अल्ट एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा क्रिएट इमेज बटन क्लिक पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे इस पे तो आपका जो भी एरर रहेगा वो रिजोल्व हो जाएगा ओके। तो देख सकते हो इमेज बटन क्लिक का एरर रिजोल्व हो चुका। तो अभी मैंने लेआउट मार्जिन दे दी थी इसके बाद हम ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल ओके एंड अगेन इसको आपको क्लोज करना है एंड इसमें भी आपको लीनियर लेआउट यूज करना है तो मैं लीनियर लेआउट को यूज करता हूँ। तो आप देख सकते हो लीनियर लेआउट फिल पैरेंट आपको यूज करना है एंड आपको रैप कंटेंट यूज करना है लेआउट मार्जिन यूज करना है आपको लेआउट मार्जिन 10.0 dp एंड लेआउट वेट 1.0 ओरिएंटेशन आपको वर्टिकल सेट कर देनी है
सॉरी आपको हॉरिजॉन्टल नहीं तो वर्टिकल सेट करना है, एंड इसको भी आपको क्लोज करना होगा। तो मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। एंड आपको अभी यहाँ पे तीन टेक्स्ट भी यूज़ करना होगा, क्योंकि जो आपको इमेज दिखाई देंगे इसमें आपको तीन टेक्स्ट दिखाई देगा। तो आपको टेक्स्ट लिखना है एक एक करके, माउंट क्लाइबर रिपीट टू टाइम्स एंड 01 मिनट। एंड आपको इसलिए हमने जो ओरिएंटेशन रख दी है वर्टिकल रख दिए। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टेक्स्ट व्यू की तरफ बढ़ते। टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट, रैप कंटेंट दे देने आपको सबसे मेन। एंड फॉन्ट फैमिली आपको पहले चूज कर लेना है मोनोस्पेस। ओके एंड आपको अभी टेक्स्ट यूज करना है, तो टेक्स्ट क्या है वहां पे, माउंटेन क्लाइंबर। ओके माउंटेन क्लाइंबर एंड आपको यहाँ से एंटर करना है। एंड आपको टेक्स्ट ऑल जो भी रहेगा आपको कैप्स कर देना है, क्योंकि जो भी आपको यहाँ पे दिखेगा वो कैपिटल लेटर में दिखाई देगा। ओके इसलिए आपको कैपिटल लेटर ट्रू कर देना है टेक्स्ट ऑल कैप्स। एंड आपको टेक्स्ट कलर्स यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, टेक्स्ट कलर आपको हैश FF60 यूज करना है। ओके तो आप देख सकते हो मैंने सिलेक्ट कर दिया है। आपको अभी टेक्स्ट साइज इंक्रीज करना होगा 15.0 dpi एंड टेक्सटाइल में दे देता हूँ बोल्ट। एंड आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। अगेन मुझे टेक्स्ट व्यू यूज करना होगा, तो मैं टेक्स्ट व्यू यूज कर देता हूँ। कैपिटल टेक्स्ट व्यू लेना पड़ेगा आपको। आपको विथ रैप कंटेंट दे देनी है एंड हाइट भी रैप कंटेंट दे देनी है। ओके तो मैं रैप कंटेंट दे देता हूँ एंड इसको भी रैप कंटेंट। आपको अभी टेक्स्ट लिख देना है रिपीट टू टाइम्स, रिपीट टू टाइम एंड टेक्सटाइल दे देना आपको बोल्ट। एंड इसके बाद आपको क्लोज कर देना है। आपको अभी टेक्स्ट भी यूज करना है, जैसे हम टेक्स्ट भी यूज करेंगे आपको रैप कंटेंट, रैप कंटेंट हर इसमें आपको ध्यान में रखना है। जो भी हमारा टेक्स्ट व्यू रहेगा वो रैप कंटेंट ही रहेगा विथ देन हाइट में। तो मैं रैप कंटेंट दे देता हूँ। आपको यहाँ पे टेक्स्ट दे देना है, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट दे देता हूँ 01.00 मिनट। ओके एंड आपको ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको जो मिनट है वो कैपिटल में है क्या देख लेना है। यस कैपिटल में, तो आपको कैपिटल में ही मिनट को लिख देना है। एंड इसके बाद में आपको एंटर करना है। एंड जो भी टेक्स्ट कलर है तो यहाँ से आपको रेड टेक्स्ट कलर यूज करना होगा। तो मैं आपको कोड बता देता हूँ, जो भी है हैश 4F5722। ओके इस कोड को आपको यूज करना है। एंड आपको टेक्सटाइल यूज करना है अभी बोल्ट, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। जैसे आप बोल्ट करोगे तो देख सकते हो यहाँ भी कितने अच्छे से दिख रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, तो इसको क्लोज कर देना है। एंड जो भी लीनियर लेआउट है उसको यहाँ से क्लोज कर देना है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एंड इसके नीचे हमें कोट करना है, तो मैं इसको लीनियर लेआउट दे देता हूँ। एंड विड्थ फिल पैरेंट दे देना हुआ है आपको एंड हाइट रैप कंटेंट। लेआउट वेट आपको यूज करना है 2.0 एंड यहाँ से आपको लीनियर लेआउट को क्लोज कर देना है। देखो अभी आपको जो इमेज में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आपको गिफ्ट इमेज दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे अभी गिफ्ट इमेज यूज करना होगा। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ गिफ्ट इमेज को यूज। गिफ्ट इमेज आपको फिल पैरेंट दे देनी है विथ एंड हाइट रैप कंटेंट देनी है। सोर्स आपको कोई भी एक्सरसाइज ले सकते हो, बट आप सीक्वेंस से सोर्स लीजिए, जैसे एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, ऐसे बहुत सारे आपको एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं ड्रॉएबल फाइल में, आप देख सकते हो। हमने फर्स्ट वीडियो में ही जितने भी हमारे एक्सरसाइज थे उनको पेस्ट कर दिया था। ओके तो आपको ध्यान में रखना है, आपको सीक्वेंस से एक एक एक्सरसाइज को कॉपी पेस्ट करना है, जैसे एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, एक एक करके आपको ले लेना है। तो मैं एक्सरसाइज 1 ले लेता हूँ अभी एंड एंटर कर देता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड जो भी लीनियर लेआउट है हमारा अभी हमारा वर्क हो चुका है। अभी हमें लीनियर लेआउट के नीचे
अगेन हमें एक लीनियर लेआउट यूज करना होगा। ओके तो लीनियर लेआउट को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से रैप कंटेन यूज करना होगा, विड्थ एंड हाइट, लेआउट ग्रेविटी सेंटर करना होगा आपको, सेंटर कर दिया है, एंड ग्रेविटी भी आपको सेंटर करना होगा, तो मैं ग्रेविटी भी सेंटर कर देता हूँ। लेआउट वेट देना होगा आपको, लेआउट वेट 1.0, सॉरी 0.0 यूज करना होगा आपको, 1.10 नहीं, ठीक है। एंड इसको क्लोज करना होगा, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एंड जो भी हमारी इमेज व्यू होगी, यहाँ से इस इमेज व्यू को हमें सिलेक्ट करना होगा जो कि एरो था, तो मैं इस इमेज व्यू को यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। आपको फिल पैरेंट दे देना है जो भी विड्थ रहेगी, एंड यहाँ से रैप कंटेंट। तो सबसे पहले आपको लेआउट मार्जिन दे देनी है, लेआउट मार्जिन हर तरफ से 5.0 डीपी दे देनी है, एंड उसके बाद में आपको सोर्स सिलेक्ट कर देना है जो भी हमारा सोर्स रहेगा। तो हमारा सोर्स मींस जो भी हमारे एरो बटन थे, एरो, तो आप देख सकते हो अभी हमारा एरो बटन यहाँ पे विजिबल हो चुका है। तो अभी आपको इस लीनियर, सबसे पहले आपको इसको क्लोज करना होगा जो भी हमारी इमेज व्यू थी। क्लोज करने के बाद आपको लीनियर लेआउट को यहाँ से अगेन क्लोज करना होगा। इन दोनों भी लीनियर लेआउट के नीचे हमें कोड को लिखना होगा, तो मैं सबसे पहले टेबल रॉ यूज कर लेता हूँ, बट आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, तो इन दोनों के नीचे लिखना है। क्योंकि टेबल रॉ इसलिए हमें यूज करना है क्योंकि जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है डैश करके या फिर लाइन दिखाई दे रही है, ये टेबल रॉ से हम ड्रॉ करेंगे। टेबल रॉ फिल पैरेंट विड्थ जो भी रहेंगे हमारे, सबसे पहले आपको विड्थ दे देनी है, विड्थ एंड हाइट, विड्थ आपको फिल पैरेंट दे देनी है, एंड हाइट आपको रैप कंटेंट देनी है। आपको यहाँ से इंटर करना होगा, एंड उसके बाद आपको लेआउट मार्जिन देनी होगी 5.0 डीपी। अगेन आपको यहाँ से इंटर करना होगा, सॉरी थोड़ा हमारा गलत हो चुका है, जो हमारा लेआउट हाइट होगा वो लेआउट हाइट 1.0 होना चाहिए, एंड यहाँ से हमारा जो लेआउट मार्जिन हमें यूज नहीं करना है क्योंकि हमें यहाँ से मार्जिन नहीं चाहिए, इसलिए हमें मार्जिन नहीं देना होगा। सिर्फ आपको बैकग्राउंड चूज कर लेनी है, जो भी हमारी बैकग्राउंड रहेगी उससे थोड़ी डिफरेंट रहेगी, ये थोड़ा ब्लैक कलर का चाहिए, इसलिए हम बैकग्राउंड चूज कर लेते हैं। यहाँ से 1.0 डीपी दे देता हूँ, एंड बैकग्राउंड हैश FFAA9A9। ओके इसको आपको प्रेस करना है, ये होने के बाद आपको दिख जाएगा ये कलर, जो भी आपका कलर होगा आपको ये ध्यान में रखना है अच्छे से। यहाँ पे डबल ए नहीं यूज करना है, यहाँ पे ट्रिपल ए यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे ट्रिपल ए यूज करोगे तो आपको ये कलर विजिबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल रॉ ड्रॉ हो चुका है 0.1 मिनट के नीचे, आप देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है। अभी हमें सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो कॉपी एंड पेस्ट किसको करना होगा, मैं सबसे पहले आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो आपको जो लीनियर लेआउट दिखाई दे रही है, हमें सिर्फ इसको कॉपी एंड पेस्ट करते जाना होगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड नीचे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट। जैसे हम पेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमसे थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है। आपको इस लीनियर लेआउट को सिलेक्ट नहीं करना है, इस लीनियर लेआउट को सिलेक्ट करना है। ओके तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे हम इस लीनियर लेआउट को कॉपी करेंगे यहाँ पे विजिबल हो चुका है। तो आपको यहाँ पे ऐसे 17 लेना है नियर अबाउट, जो भी हम 17 नहीं 14 ले लेना है, क्योंकि हमारे गिफ्ट इमेजेस यहाँ पे 14 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 14 हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, तो यहाँ पे हमारे 2 पेस्ट हो चुके हैं, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड लास्ट 14। तो मैंने जितने भी थे हमने पेस्ट कर दिया 14 के 14। मैं आपको एक बार काउंट करके बता देता हूँ,
तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3025 एंड 5027 एंड 799 और 312। हमें अगेन यहाँ पे 2 पेस्ट करना होगा। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ अगेन 2 बार। तो हमें हमारे अभी कम्प्लीटली 12 मैंने 14 हमने पेस्ट कर दिए। तो अभी हमें एक एक करके यहाँ पे जो हमारा गिफ्ट इमेजेस था इसको हमें रिजॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ से एक्सरसाइज 2 को सिलेक्ट कर देते हैं। एंड अभी आपको यहाँ पे आना है एंड यहाँ से एक्सरसाइज 3 को सिलेक्ट करना है। ऐसे हमें चेंज करते करते जाना है। ओके, एंड यहाँ से हमें एक्सरसाइज 4 को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 5 को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको एक्सरसाइज 6 को सिलेक्ट करना है। एक एक करके ऐसे आपको सीक्वेंस में ध्यान में रखना है, 1 2 3 4 5 आपको एक एक एक्सरसाइज चेंज करते जाने एकदम सीक्वेंस वाइज। ओके, जैसे हमने यहाँ तक 4 चेंज कर दिए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एक ये 4 हो चुका था एंड यहाँ पे हमारा 5 हो चुका था। 5 होने के बाद आपको ध्यान में रखना है, आपको यहाँ से सिलेक्ट 6 करना है, एक्सरसाइज 6 एंड यहाँ से आपको 7 करना है। स्क्रॉल करना है इसको नीचे। आपको एक्सरसाइज 8 दे देने हैं। एक्सरसाइज 8 के बाद आपको एक्सरसाइज 9 यूज करने है। ओके, तो मैं यहां से एक्सरसाइज 9 दे देता हूँ, यहां से एक्सरसाइज 10 आपको अगेन 4 इंक्लूड करना है क्योंकि हमारे 14 एक्सरसाइज थे। टेन के बाद आपको यहां से 11 दे देना है, आपको 12 दे देना है एंड लास्ट में आपको 13 एंड 14 दे देना है। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, एक्सरसाइज 13 एंड यहाँ से एक्सरसाइज 14। ओके, तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। अभी हमें एक एक करके नेम भी चेंज करना होगा। तो मैं आपको यहाँ से नेम चेंज करना होगा, तो जैसे सेकेंड बेसिक क्रंचेस है तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ बेसिक क्रंचेस। एंड आपको अगेन यहाँ से भी जो जो नेम है वो आपको लिखते जाना है। तो मैं थर्ड देख के चेंज कर देता हूँ, बेंच डिप्स, यहाँ से मैं लिख देता हूँ बेंच डिप्स। अभी हम फोर्थ में चले जाते हैं एंड फोर्थ का नेम क्या है, बाईसाइकल क्रंचेस, तो आपको लिख देना बाईसाइकल क्रंचेस। फिफ्थ में जाना है, उसका नेम लिख देना है, जैसे लेग रेज है अभी तो लेग रेज यूज करना है। अगेन आपको यहाँ पे आना है एंड अल्टरनेटिव हील टच लिख देना है यहाँ पे। एंड इसके बाद अल्टरनेटिव हील टच के बाद आपको अगेन स्क्रीनशॉट में जाना है, बट यहाँ पे देख सकते हैं लेग अप क्रंचेस यहाँ पे जो विजिबल हो रहा होगा आपको, अगर नहीं हो रहा तो जो जो मैं लिखते जा रहा आपको लिखना है लेग अप क्रंचेस। लेग अप क्रंचेस के बाद आपको सीटअप लिखना है। तो आप देख सकते हो मैं इमेज से आपको बताते जा रहा हूँ, ये सीटअप का साइन है इसलिए आपको सीटअप लिखना है।
सीटअप के बाद में आपको अगेन इसको स्क्रॉल करना होगा। ये लेग अप क्रंचेस है, सॉरी अल्टरनेटिव वी वीपीएस है ये, जो इसके नीचे दिख रहा है दे रहे। ओके अल्टरनेटिव आपको सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना होगा। इसको आपको स्क्रॉल करते जाना एक एक करके। एंड मैं इस पर सिलेक्ट कर देता हूँ एंड आपको नेम लिख देना है जो भी जिसका नाम रहेगा। ओके तो मैं यहां से लिख देता हूँ अल्टरनेटिव वीपीएस। UPS। इसके बाद में आपको अगेन इसको स्क्रॉल करना है। इसको आपको प्लैंक रोटेशन यूज करना है। लेकिन इसको स्क्रॉल करते जाना है एंड आपको इसको प्लैंक विथ लेग लेफ्ट लिखना है। ओके तो मैं इसको एक एक करके लिख देता हूँ। प्लैंक विथ लेग लेफ्ट, अगर आपने स्मॉल या फिर कैपिटल लिखा तब भी चलेगा, क्योंकि हमने टेक्स्ट ऑल कैप्स ट्रू कर दिया इसलिए कैपिटल में जाएगा, इसलिए इससे कुछ ऐसा डिस्टेंस नहीं आता या फिर डिफरेंस नहीं आता। आप इसको स्मॉल में या फिर कैपिटल में कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये टेक्स्ट ऑल कैप्स के कारण ये थोड़ा कैपिटल में रहेगा। ओके अभी हम इसको चेंज कर देते हैं, ये है इसको बोलते हैं रशियन ट्विस्ट। ओके तो मैं इसको रशियन ट्विस्ट लिख देता हूँ। रशियन ट्विस्ट थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, रशियन ट्विस्ट। इसके बाद में अगेन हमें स्क्रॉल करना होगा एंड लास्ट सेकेंड हमें यहाँ पे ब्रिज यूज करना होगा। ठीक है तो टाइटल में चला जाता हूँ मैं एंड यहाँ पे हमें ब्रिज यूज करना होगा। ब्रिज यूज होने के बाद अभी लास्ट इसको हमें स्क्रॉल करना होगा, इसको स्क्रॉल कर देता हूँ एंड लास्ट हमारा बाकी है जो कि है वर्टिकल लेग क्रंचेस। ओके तो मैं इसको लिख देता हूँ। वर्टिकल लेग क्रंचेस, बट हमसे एक मिस्टेक हो चुकी है, अभी हमारे एक्सरसाइज 15 थे बट हमने 14 ही ले लिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, एक्टिविटी सेकंड में आना है एंड अगेन एक इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। ओके तो मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ एक इसको, तो सबसे पहले इसमें चला जाता हूँ सबसे नीचे एंड जो भी हमारा रहेगा इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, हमारा जो भी लीनियर लेआउट रहेगा। ओके इसको स्क्रॉल करता हूँ सबसे नीचे एंड इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे इसको आपको कंट्रोल सी से कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट होने के बाद आप देखोगे अगेन आपका जो एक्सरसाइज 15 रहेगा वो कॉपी हो जाएगा। तो मैं यहाँ से एक्सरसाइज 15 लिख देता हूँ यहाँ पे एंड जो भी नेम है इसका, जैसे इसका नेम है, दो मिनट आपको अगेन स्क्रॉल करना होगा क्योंकि जैसे जैसे चेंज करते जाओगे आप, चेंज होने के बाद ये अगेन ऊपर चला जाता है, इसके आपको ध्यान में रखना है, इसको बहुत बार आपको स्क्रॉल करते जाना है। लास्ट का नेम है वाइंड मिल। ओके तो आपको जो भी नेम है इसका नेम लिख देना है।
तो मैं इसका नेम लिख देता हूं वाइंड मिल। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है, बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने एक मिस्टेक कर दी है। सबसे पहले आपको स्क्रॉल करना है, आपको हर इसमें एक चेंजेस करना होगा। जो टेबल रॉ है, टेबल रॉ के नीचे हमने यहाँ पे सबके नीचे क्लोज करना होगा। ओके, एक एक करके मैं क्लोज करके बताता हूँ। तो आप देख सकते हो जितने भी मेरे टेबल रॉ में एरर थे वो कंप्लीटली मैंने रिजॉल्व कर दिए इस साइन को यूज करके, ठीक है। बट यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है आईडी में, क्योंकि कैसा हमने सब में एक ही आईडी यूज किया है। ओके, जैसे इसमें भी एक ही आईडी यूज किए, इसमें भी एक ही आईडी यूज किए, तो अभी हमें आईडी को चेंज करना होगा। तो मैं हर एक आईडी को डिफरेंट डिफरेंट नेम दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट आईडी को चेंज कर देते हैं, नहीं फर्स्ट आईडी को हम एक ही नेम रख देते हैं आईडी पॉज करके, जो हमारे आईडी पोज है। मैं सेकंड को चेंज कर देता हूँ, सेकंड में हम ब्रिज पोज लिख देते हैं। ओके, ब्रिज पोज आप कुछ भी नेम लिख सकते हो आईडी का। मैं फर्स्ट के भी चेंज कर देता हूँ, मैं थोड़ा इसको बो पोज कर देता हूँ, BOW बो पोज। एंड इसका भी नेम मैं चेंज कर देता हूँ चेयर पोज। अगेन इसका भी चेंज कर देता हूं। हमें एक एक करके सबका नेम चेंज करना आईडी का। मैं इसका भी चेंज कर देता हूँ, इसका मैं नेम लिख देता हूँ कोबलर बोस, कोबलर बोस। एंड इसका भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसका लिख देता हूँ मैं COW काउ पोस, COW काउ पोस। एंड इसका भी चेंज कर देता हूँ, मैं सबका एक एक करके नाम चेंज करते जा रहा हूँ आईडी का। इसको मैं प्लेजी पोस लिख देता हूँ। लेजी के बाद आपको इसमें पॉज जी लिखना है आईडी में, तो मैं पॉज जी लिख देता हूँ। उसके बाद में अगेन हमें आईडी का नेम चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी हम पॉज जी यूज कर लेते हैं। ओके सॉरी, हमने यहाँ पे ऑलरेडी नेम पॉज जी यूज किए थे पिछले इसमें, तो हम इसमें प्लैंक जी यूज कर देते हैं। आपको इसमें प्लैंक जी यूज करना है या फिर प्लैंक यूज करना है, मैं प्लैंक यूज कर देता हूँ। एंड बाद में आपको इसका आईडी क्रंचेस लिख देना है। अगेन आपको स्क्रॉल करना है, इसमें आपको सीट अप पोज लिखना है। अगेन हमको स्क्रॉल करते जाना है। इसमें आपको रोटेशन लिखना है, आपको यहाँ पे ट्विस्ट पोज लिख देना है आईडी में।
एंड अगेन स्क्रॉल करना है इसको। आपको इसमें वाइंड मिल दे देना है। ओके एंड लास्ट में आपको लेग अप पोज दे देना है। बट यहाँ पे अभी भी मैंने एक एक आईडी का नेम नहीं दिया है, इसलिए एरर शो रहेगा। ओके मैंने कहा तो भी अगेन मिस्टेक कर दिया है। आपको ध्यान में रखना, आपको हर एक इस आईडी का नेम दे देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेग अप पोज ओके। अभी आप देख सकते हो मैंने जितने भी यहाँ पे रो थे उतने भी इसको मैंने आईडी दे दिया है एक एक करके। अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्टिविटी मेन में, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो हम एक्टिविटी सेकंड में चले जाएंगे। तो मैं आपको रन करके बता देता हूँ कि एक ऐसा दिखेगा जब हम ऐप में क्रिएट करेंगे तब। तो मैं अपने मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर देता हूँ, तो मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा एंड थोड़ी देर में ग्रेडल बिल्ड फिनिश होके हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप लॉन्च हो जाएगा। तो देख सकते हो ग्रेडल बिल्ड फिनिश इन 413 मिली सेकेंड में हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा ऐप है योगा डेमो ऐप यहाँ पे अभी शो हो रहा है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ आपके सामने स्प्लैश स्क्रीन ओपन हो जाएगी। स्प्लैश स्क्रीन ओपन होने के बाद हम डायरेक्ट एक्टिविटी मेन में चले जाएंगे जो हमने पहले एक्टिविटी मेन क्रिएट किए थे। एंड जैसे हम बिफोर एज 18 पे या फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जो अभी अभी हमने क्रिएट किया था एक्टिविटी सेकेंड डॉट एग्जामिन। ओके तो अभी आप देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, इसलिए आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले अभी हमें डॉट जावा में कोड को क्रिएट करना होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि सेकेंड एक्टिविटी डॉट जावा का कैसा कोड होगा। ठीक है, आई होप गाइस आप मैंने जो जो आपको बताया वो आपको समझ में आओगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही ऐप से रिलेटेड आपको सीरीज हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।